नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। एक बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से। टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट आ गई है 2020 के लिए, बिल्कुल परमानेंट जॉब है। और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए है ये आपको सामने थंबनेल में दिखाई भी दे रहे होंगे। अगर आपका इनमें से सब्जेक्ट है तो फिर आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिंदी, ज्योग्राफी, मराठी, मैथमेटिक्स, कोंकणी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस। तो इन पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट है। अब बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं कहाँ से रिक्रूटमेंट आ रही है, कौन कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों। ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gpsc.goa.gov.in। तो यहीं पे आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 of 2020। पहले गोवा मेडिकल कॉलेज के लिए रिक्रूटमेंट है, हम इसको छोड़ देते हैं। फिर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, तो ये देख लेते हैं। इनसे ही जुड़ा हुआ अपना ये वीडियो है। वैकेंसियां मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस किस पोस्ट की यहाँ रिक्रूटमेंट है, तो दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वैकेंसियां आप यहाँ से देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है, जिस भी पद के लिए आपको अप्लाई करना है उसमें देख लीजिए कितनी वैकेंसियां हैं। जहां तक पे स्केल की बात है, 15,600 से 39,100 प्लस 6,000 का है जीपी एज पर रिवाइज पे मैट्रिक्स लेवल 10। और आयु 45 साल से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। असेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन बिल्कुल देख लीजिए। असेंशियल है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एट मास्टर्स डिग्री लेवल इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट या फिर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। अगर आपने कर रखी है PhD तो फिर नेट की या सेट की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ नॉलेज ऑफ कोंकणी, कोंकणी भाषा का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। पर इसके लिए एक नोट दे दिया गया है, अगर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं जिन्हें कोंकणी लैंग्वेज आती हो तो इस रिक्वायरमेंट को हटाया भी जा सकता है, दिस रिक्वायरमेंट कैन बी रिलैक्स, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है PhD और MPhil इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ मराठी, तो ये डिजायरेबल है। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं इनके लिए। इवन असेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसके भी सीरियल नंबर 3 में यहाँ छूट आपको दी जा सकती है अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं सुटेबल कैंडिडेट। और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gpsc.goa.gov.in। तो यहाँ आपको ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 of year 2020, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको इनके लिए करना है अप्लाई। और जहाँ तक अप्लाई करने की अंतिम तिथि की बात है वो रह गई है, वो और देख लीजिए। देखिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2020। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको प्रोवाइड करा दी गई है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की टीचिंग जॉब्स के अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।